नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मयंक रावत है। मैं एक बच्चों का डॉक्टर हूँ, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और मैं शक्तिखंड 3 इंदिरापुरम में एलिट क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आप लोगों से बच्चों में होने वाले स्ट्रेस के बारे में बात करूँगा। जब हम स्ट्रेस के बारे में सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि ये एक बड़ों की समस्या है, क्योंकि उनको घर की जिम्मेदारी होती है, परिवार की जिम्मेदारी होती है, कमाना होता है, सेव करना होता है, तो बड़ों में तो स्ट्रेस होना लाजमी है। लेकिन बच्चों में भला किस बात का स्ट्रेस? लेकिन ऐसा नहीं है, स्ट्रेस बच्चों में ही होता है और काफ़ी होता है। अब स्ट्रेस भी दो प्रकार का होता है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस तो कोई बुरी चीज़ है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो हमको आमतौर पर महसूस होता है किसी एग्ज़ाम से पहले, किसी परफॉर्मेंस से पहले, तो अच्छा स्ट्रेस होता है, पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस जो होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, हमको फोकस करने में हेल्प करता है, हमारे दिमाग से बाकी चीज़ें हटा देता है और हमें एक अच्छा टारगेट अचीव करने में मदद करता है। ये स्ट्रेस आम है और इस स्ट्रेस के लिए किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर ये स्ट्रेस हमारे काम में इंटरफेयर करने लगे, हमारे परफॉर्मेंस को बिगाड़ने लगे, तो ये स्ट्रेस हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है। तो स्ट्रेस अगर एक जरूरत से ज़्यादा हो जाए और हमारे लाइफ को ख़राब करने लगे, तो इस तरह के स्ट्रेस से हमको बचना चाहिए। तो इस तरह के स्ट्रेस के कारण क्या क्या हो सकते हैं? आम जो कारण जो हम देखते आ रहे हैं कि एकेडमिक प्रेशर, तो आजकल आपने देखा होगा कि ये सुनते आ रहे हैं कि किसी शहर में बच्चे पढ़ाई करने गए जहाँ बहुत सारी कोचिंग होती हैं और उनमें से कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो एकेडमिक प्रेशर एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का, जिसकी वजह से बच्चे इस हद तक जा सकते हैं कि सुसाइड भी कर सकते हैं। और ये तो एक्सट्रीम केसेस है, नॉर्मल कंडीशन में भी जब बच्चे को एग्ज़ाम देना होता है, बोर्ड एग्ज़ाम देना होता है, थोड़े से एग्ज़ाम देने होते हैं, उनको भी स्ट्रेस होता है और कभी कभी इतना स्ट्रेस होता है कि वो उनके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। दूसरी जो चीज़ जो हमको स्ट्रेस करती है वो होती है फैमिली एनवायरनमेंट, यानी कि परिवार में किस प्रकार का एनवायरनमेंट है। घर में अगर लड़ाई का माहौल है, घर में अगर परेशानी का माहौल है, तो बच्चों में काफ़ी स्ट्रेस पैदा कर सकता है। तीसरी चीज़ जो हमारे लिए स्ट्रेस पैदा करती है वो है पीयर टू पीयर कंपैरिजन, यानी कि एक बच्चा जिस माहौल में जा रहा है, चाहे उसके परिवार में सब अच्छे हैं, चाहे वो पढ़ाई में भी अच्छा है, लेकिन बाकी बच्चों से कंपैरिजन होता है और बाकी बच्चे या बाकी बड़े लोग भी कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन करके उस बच्चे के अंदर स्ट्रेस पैदा कर देते हैं कि तुम्हारे कपड़े उतने अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे जूते उतने अच्छे नहीं हैं, तुम उतने अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाते। और ये चीज़ चाहे हमें सुनने में छोटी सी लगती हो, लेकिन किसी किसी बच्चे के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि उसका कंपैरिजन बाकी बच्चों के संग किया जा रहा है और उस कंपैरिजन में वो पीछे हो रहा है। फिर एक बच्चा एक उम्र पे आ जाता है, प्यूबर्टी एसोसिएटेड चेंजेस होते हैं, तो उसमें भी स्ट्रेस होता है लड़कों और लड़कियों दोनों में। स्पेशली जब शरीर में बदलाव आते हैं तो अपने मन में एक इमेज बना के बैठा होता है कि मैं ऐसा दिखूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा बोलूँगा। और ये चीज़ भी लड़कियों में जब पीरियड चालू होते हैं या लड़कों में जब वॉइस चेंज होती है या उसमें चेंजेस आते हैं, तो ये भी उसमें उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। रिलेशनशिप रिलेटेड स्ट्रेस भी हो सकते हैं प्यूबर्टी के बाद। स्कूलों में हम लोग भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशन, सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन नहीं, इस तरह रिलेशन भी कि कौन किसके संग बैठेगा, कौन किसके संग कॉफ़ी पिएगा, इस तरह के छोटे छोटे जो कमिटमेंट वाले रिलेशन हैं, हमें बचपनी चीज़ें लगती हों, लेकिन उस वक्त उस टाइम वो बहुत बड़ी चीज़ लगती है और वो भी एक स्ट्रेस का रिलेशन कॉज बन सकती है, स्ट्रेस की वजह बन सकती है। आजकल सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का वजह बन गया है। हम जब बच्चे थे तो हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि हम अपने फ़ोटो सोशल मीडिया पर नहीं डालते थे, हम अपने लाइक्स नहीं गिनते थे। पर आजकल जो टीनेजर्स हैं उनमें कई लोग बहुत सफल हैं, यूट्यूबर बन गए हैं, अच्छा कमा रहे हैं और इनफैक्ट अच्छी फॉलोइंग भी है, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो शायद उतना सफल नहीं हो पा रहे हैं और वो अपने आप पर इस चीज़ का स्ट्रेस लेके बैठ गए हैं। हाँ, तो सोशल मीडिया के यूज़ से जैसे फ़ायदा हुआ है, वैसे लोगों का स्ट्रेस भी बढ़ने लग गया है। क्या मेरी फ़ोटो उतनी अच्छी आई या नहीं आई, क्या मेरी फ़ोटो को उतने लाइक्स मिले या नहीं मिले, लोगों ने कोई कमेंट तो नहीं कर दिया। प्राइवेट लाइफ उतनी प्राइवेट नहीं रह गई, कोई भी कुछ भी कमेंट करके चला जाता है और आप उसका स्ट्रेस ले लेते हैं। तो ये चीज़ के फ़ायदे होने के अलावा नुकसान भी हैं और एक नई तरह का स्ट्रेस आ गया है जो कि बहुत ही रियल है और बहुत ज़्यादा बच्चों पर असर डालता है। मेडिकल इलनेस अगर किसी में है, चाहे किसी बच्चे को किसी प्रकार की लंबी बीमारी है, चाहे उसको एस्थमा की बीमारी है या एपिलेप्सी की बीमारी है या डायबिटीज़ की बीमारी है, कोई भी ऐसी चीज़ है, या कोई फिज़िकल इलनेस है, बच्चे का एक पैर ठीक से काम नहीं करता, या किसी तरह की इलनेस है जिसकी वजह से उसको दवाई खानी पड़ती है, उसकी लाइफ स्टाइल कॉम्प्रोमाइज होती है, तो वो भी एक स्ट्रेस का मेन कारण बन जाता है। देखिए, आइडेंटिफाई करने के लिए अगर सेक्स एजुकेशन हर बच्चे की होनी चाहिए, हर ग्रुप की होनी चाहिए, और बच्चे के जो सर्किल में लोग हैं, हर बच्चे के सर्कल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे वो बातचीत करता रहता है। बच्चा अपने माँ बाप को तो नहीं बताएगा कि मैं लड़की के पीछे पड़ा हुआ हूँ और मैं इस हद तक जा सकता हूँ,
लेकिन कुछ कुछ करीबी दोस्त होंगे जो उसके साथ होते होंगे। तो एक समाज में इस तरह की एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक लिमिट के ऊपर अगर जा रहा है तो कम से कम वो दोस्त तो उसके माँ बाप को बता दें कि ये समस्या ज़्यादा हो रही है। तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम ये नोटिस कर सकते हैं कि इस बच्चे में समस्या हो रही है? अगर बच्चे की नींद अचानक से बदल गई है, बच्चा जिस तरह का नींद का पैटर्न फॉलो कर रहा था अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसको स्ट्रेस होने की संभावना है। अगर बच्चे का खाने का पैटर्न बदल गया है, बच्चा या तो बहुत कम खा रहा है या बहुत ज़्यादा खा रहा है, या अचानक से उसका मन बहुत ज़्यादा बाहर खाने का करता है, या अचानक से वो नॉर्मल खाना छोड़ के सिर्फ स्टिमुलेटिंग फूड खाना चाहता है, टॉफ़ी चॉकलेट पिज़्ज़ा बर्गर ही खाना चाहता है, वो अपने आप को खाने के द्वारा खुश करना चाह रहा है, वो नॉर्मल खाना खाना ही नहीं चाह रहा है, तो ये भी एक स्ट्रेस का पॉइंट हो सकता है। दूसरी बात, अगर बच्चे के पर्सनैलिटी में बदलाव आ गया है, अगर बच्चा जिस तरह का व्यवहार करता था उस तरह का नहीं कर रहा है, अगर बच्चा सबसे अच्छे से बोलता था तो अचानक चुप बैठ गया है, या एक बच्चा जो अपने काम से काम रखता था वो बहुत सारे लोगों से अचानक फ़ोन से बात करने लग गया है, किसी तरह का अचानक प्रभाव में बदलाव आ गया है, जो बच्चा सबसे ज़्यादा बात करता था वो अचानक चुप हो गया है, या बच्चा चुप रहता है वो हर बात पे चिढ़ रहा है, तो अचानक कोई स्वभाव में बदलाव आ गया है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसके पीछे क्या वजह है। घर में बाकी लोगों से उसके संबंध है वो बदल तो नहीं रहे हैं, भाई बहन के संबंध, बच्चे से पिता या माता के संबंध अचानक से तो नहीं ख़राब हो गए हैं, जिसकी कोई वजह आपको समझ में नहीं आ रही है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अचानक से मुझसे क्यों इतना चिढ़ रही है। डेफिनेटली आपको ढूंढना पड़ेगा कि उसके अंदर किसी प्रकार का स्ट्रेस तो नहीं है, वो रिलेशनशिप रिलेटेड स्ट्रेस भी हो सकता है जैसा कि अभी हमने बात करी। और एकेडमिक परफॉर्मेंस पे अगर कोई चेंज आ गया है, एक बच्चा जो ठीक ठाक पढ़ाई करता था या करती थी और अचानक से उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बिगड़ गई है, तो आपको देखना पड़ेगा, और जिसका आपको कोई क्लियर वजह समझ में नहीं आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको समझ में आता है कि ये सब्जेक्ट में वीक है और आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा डेफिनेटली, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि बच्ची तो पढ़ाई या बच्चा तो पढ़ाई में तो ठीक था और अभी भी कोई खास वजह नहीं है कि इसे समझ में ना आए और फिर भी आपको लग रहा है कि ठीक से नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा। कई बार बच्चे स्ट्रेस को डील करने के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अपने घर के लोगों से बात करते हैं या उस चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं, उस समस्या से निपटते हैं। कई बार बच्चे जो हैं वो गलत तरीके से उस स्ट्रेस को डील करने की कोशिश करते हैं, जिसमें है सबसे कॉमन जो चीज़ आजकल देखने आ रही है वो एक्सेस इंटरनेट यूज़ एंड गेमिंग, क्योंकि ड्रग्स लेना आसान नहीं है, अल्कोहल टबैको भी एकदम से नहीं ले सकते। कोई बच्चा अचानक से पूरी टाइम आपको लग रहा है सब कुछ छोड़ के गेमिंग में घुस गया है, सब कुछ छोड़ के इंटरनेट पे लगा हुआ है, तो ये देखना पड़ेगा कि किसी चीज़ से बचने के लिए तो नहीं कर रहा है, किसी नॉर्मल चीज़ से अपने दिमाग को हटाने के लिए तो ये नहीं कर रहा है। बाकी नॉर्मल चीज़ें तो आप हम समझते हैं, क्योंकि बच्चा अगर अचानक से अल्कोहल ले रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा अल्कोहल से एक्सपोज तो नहीं है, टबैको का एक्सपोजर तो नहीं है, स्मोकिंग का तो नहीं लग रहा आपको, ड्रग्स का शक तो नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे पैकेट तो नहीं मिल रहे हैं उसके सामान में जो आप नहीं जानते हैं, जिसको बता रहा है कि क्या है, छुपा रहा है, ऐसा तो नहीं मिल रहा है, बात बात पे बहस तो नहीं कर रहा है, कहीं अपने आप को अकेले बंद तो नहीं रखता, अपने बारे में कोई नेगेटिव चीज़ें तो नहीं सोच रहा है, लिख रहा है, स्पेशली अगर कहीं लिख रहा है चुपके से, अपने आप को बंद कर लेता हूँ, आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। रिलेशनशिप रिलेटेड स्ट्रेस एक टीनेज का, जब बच्चे के हॉर्मोन्स आते हैं तो उसके अंदर एक अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन होना एक आम बात है, और उसमें बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में भी एक सेल्फ प्लेजर ढूंढते हैं, सिर्फ किसी के संग बैठ लेना या किसी के संग कॉफ़ी पे चले जाना या पार्क में साथ बैठ लेना, हमें लगता है कि छोटी चीज़ है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उस वक्त उस बच्चे के लिए या उस माहौल में उनके लिए बहुत बड़ी ईगो की बात हो जाती है। तो डेफिनेटली अगर दोस्तों को लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है तो स्पेशली इसमें टीनेजर्स को ही ओरिएंट करना पड़ेगा, माँ बाप इस लेवल तक नहीं जा सकते, हमें कम्युनिटी में सबको बताना पड़ेगा, सारे बच्चों को, सारे एडल्ट्स को बताना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बच्चा कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो एक लिमिट से ज़्यादा जा रहा है, परेशान है, तो कृपया उसके माँ बाप को संपर्क करें और बताएं ताकि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना होने से बच सके। जेल ना करने की वजह तो ढूंढनी पड़ेगी, अगर स्कूल एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह ढूंढनी पड़ेगी, और ये अलग ही पूरी अलग ही विषय है, इसमें टीचर्स को देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं जेल कर पा रहा है, क्या बच्चे के अंदर कोई लैंग्वेज डिसऑर्डर है, क्या वो भाषा नहीं समझ पा रहा है, क्या वो इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट है, क्या उसका नेचर ऐसा है कि वो रिजर्व रहता है, क्या वो अलग रहने में खुश है या वो उससे स्ट्रेस में है। तो जेल नहीं कर पा रहे के लिए कई सारी वजह हो सकती हैं, एक तो होता है कि बच्चे का मेंटल लेवल बाकी बच्चों से मैच नहीं करता तो वो जेल नहीं कर पाता, बच्चे अपने संग उस बच्चे को नहीं खिलाते जो उनमें पीछे हो, वीक हो किसी भी प्रकार से, या पढ़ाई में वीक हो तो उसको साइडलाइन कर दिया जाता है, या फिर लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं कई बार कि बच्चे का कहीं दूसरे शहर से आया, दूसरे प्रांत से आया और लैंग्वेज नहीं मैच कर पा रही है, या बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट उस लेवल का है ही नहीं जिस लैंग्वेज का डेवलपमेंट, ये छोटे क्लास में ज़्यादा मिलता है, बड़ी क्लास में उतना नहीं मिलता, बड़ी क्लास तक आते थे लैंग्वेज सेट हो जाती है, या फिर जैसे कि पीयर टू पीयर कंपैरिजन है, बच्चे उसके अपने बराबर का मानते ही नहीं है, तेरे कपड़े कम अच्छे हैं, तेरे जूते कम अच्छे हैं, तेरा परिवार छोटा है, अगर इस तरह का एनवायरनमेंट है तो भी बच्चे जेल नहीं करते, तो जेल नहीं करने की वजह ढूंढनी पड़ेगी और उसका समाधान करना पड़ेगा। तो अब हम इस बारे में बात करेंगे कि बच्चों में जो स्ट्रेस होता है इसके बारे में हम कर क्या सकते हैं, कैसे हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और उसको सही दिशा दे सकते हैं।
तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक जीवन का सही रूटीन। तो इसमें होता है सही टाइम पे उठना, बच्चे को सही खाना देना, पोषक खुराक देना, अच्छा ब्रेकफास्ट देना, सही टाइम पे लंच और डिनर करना, सही टाइम पे सोना। इतना करने से ही बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस कम हो जाता है। दूसरी चीज़, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, इन चीज़ों से बहुत हेल्प मिलती है कि हम अपनी चीज़ों, अपने माइंड का स्ट्रेस कम कर सकें। और फिज़िकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स में अगर कोई बच्चा इन्वॉल्व है तो ये पाया गया है कि फिज़िकल एक्टिविटी करने से बॉडी में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जिसे एंडोर्फिन्स बोलते हैं, जो एक्चुअल लेवल पर जाके स्ट्रेस कम करते हैं। तो अगर कोई बच्चा स्ट्रेस में है या आपको लग रहा है कि स्ट्रेस में, तो किसी फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर डालने की कोशिश कीजिए, चाहे बच्चा, और उसमें ऐसे ग्रुप में डालिए जहाँ वो बच्चा बराबर हो। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल के ग्रुप में डाल दो जहाँ बच्चा कर ही नहीं पा रहा है, एक एवरेज ग्रुप में डालिए जहाँ बच्चा अपने आप के बारे में कुछ अच्छा सोच सके। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी स्पोर्ट्स में डालना है, किसी फिजिकल एक्टिविटी में डालना, उससे मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो बच्चे के स्ट्रेस को कम करते हैं। दूसरी चीज़ है फैमिली एनवायरनमेंट, बच्चे से बात करते रहिए, बच्चे के सामने की ऐसी बात मत करिए अपने घर में जिससे बच्चे को अपनी फैमिली पे कॉन्फिडेंस ना फील हो। छोटे बच्चे में, बचपन में, उस बच्चे के लिए उसके पापा और मम्मी हीरो और हीरोइन होते हैं, उनसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं होता। एक छोटा बच्चा या छोटे बच्चे अपने पापा को दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मानता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके ये धारणा बदलती रहती है, वो देखता है कि मेरे घर वाले परफेक्ट नहीं हैं और उनके अंदर भी कमियाँ हैं। लेकिन ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को अपने परिवार पर से विश्वास ही ख़त्म हो जाए। हम परफेक्ट नहीं हैं और हम इस चीज़ का दावा भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक पर्दा बना कर रखना चाहिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर हम करना भी चाह रहे हैं तो बच्चों के सामने सीधे सीधे ना करें, और बच्चों के सामने अपने आप को एक रोल मॉडल की तरह प्रस्तुत करें, ताकि बच्चा दुनिया में कहीं भी कुछ भी परेशानी लेके आ रहा है उसके मन में ये होना चाहिए कि मैं अपने घर जाऊँगा तो मुझे घर में एक अच्छा माहौल मिलेगा, मेरे घर के लोग अच्छे हैं, मैं एक अच्छे घर का निवासी हूँ, मैं घर जाके अपनी बात कह सकता हूँ। और आपको अपने बच्चों की बातों को नॉन जजमेंटल होकर सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको ये कहने लगो कि तूने ऐसा किया, तेरी बहुत बड़ी गलती है। अगर बच्चा किसी परेशानी में है तो पहले उसकी परेशानी का समाधान ढूंढने के लिए बात करो। भले ही आप अपने मन में उसको गलत सोच रहे हो, बिल्कुल सही बात है, अगर उसने गलत किया तो आप उस मन में उसे गलत सोच सकते हैं। उस वक्त पहला रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि अभी जो परेशानी है उससे कैसे निकला जाए। उसके बाद में आप उसे बता सकते हैं कि गलती तेरी है और तुम्हें आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्स, पहला रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब बच्चा अगर आपने अपनी परेशानी बता रहा है तो आपका पहला रिस्पॉन्स इस तरफ फोकस होना चाहिए कि अभी उस परेशानी से कैसे निकला जाए, बजाय इसके कि उस पर उस परेशानी का ब्लेम डाला जाए। जाहिर सी बात है, बाद में तो आप उसे बताएंगे उसकी गलती क्या थी और बाद में उसको उसके लिए शिक्षित भी करेंगे, लेकिन पहला रिस्पॉन्स उससे परेशानी निकालने वाला ही होना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है प्रैक्टिस, ये स्पेशली किसी टास्क रिलेटेड स्ट्रेस में काम आती है। जैसे बच्चे को किसी एग्ज़ाम का स्ट्रेस है या किसी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस का स्ट्रेस है, तो उसे हम प्रैक्टिस करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं कि बच्चा कहाँ पढ़ सकता है, कहाँ प्रैक्टिस कर सकता है, और हम बच्चे को अपने संपर्क में भी रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को दूसरे शहर में पढ़ने के लिए छोड़ दिया और सिर्फ उसे फ़ोन पर बात कर रहे हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमारा बच्चा इस लायक है तो ही हम उसे उतने बड़े स्ट्रेस में डालेंगे, लेकिन हाँ, बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, मॉक टेस्ट करवाना, और बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने से, अच्छा टीचिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने से ये स्ट्रेस भी कम हो सकता है। और बच्चे की लाइफ स्किल डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक लाइफ स्किल पर एक गाइडलाइन जारी करी है कि एक टीनेजर बच्चों में क्या क्या लाइफ स्किल होनी चाहिए। तो ये लाइफ स्किल वो नहीं है जिस पर उसको नंबर मिलेंगे एग्ज़ाम में, वो चीज़ें हैं जो आमतौर के जीवन में काम आएंगी। ये लाइफ स्किल जो बुकलेट है, जो गाइडलाइन है, ये WHO की साइट पर अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें टीचर से मिलकर या पेरेंट्स भी आपस में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बच्चों में। ये बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाने में और जीवन की कठिनाइयों को फेस करने में हेल्प करेंगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।